झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे यौन शोषण के आरोप के बाद झारखंड की राजनीति गर्म आ गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग कर डाली। मरांडी का कहना है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद पर रहते इसकी जांच सही तरीके से नहीं हो सकेगी, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे करके जांच में सहयोग करना चाहिए। आइए सुनते हैं बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा अपने संवाददाता सम्मेलन। उसमें मामला क्या है कि राज्य के आज जो मुख्यमंत्री हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा संगीन आरोप लगाए गए, और ये मामला आज का नहीं है। 2013 में जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे तो उस समय का मामला है, और उस वक्त हेमंत सोरेन जी मुंबई गए हुए थे, और घटना है 5 सितंबर 2013 की। होटल ताज लैंड साइंड में मुंबई में वो ठहरे थे 21वें तालाब पर, और उस दिन वहाँ पर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। 25 नवंबर 2013 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के लिए डेट निर्धारित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी बीच में घटना घटता है, और अचानक 23 अक्टूबर को दोबारा एक पिटीशन फाइल होता है कि इसकी सुनवाई आज ही किया जाए। और उसमें जो लड़की पिटीशन फाइल करती है उसमें एक तो लिखा गया कि हम शादी करने वाले हैं, घर बदलने वाले हैं, इसलिए हम लोग इस केस को लड़ने की स्थिति में हम नहीं हैं। फिर मामला बहुत दिनों तक, लड़की भी कहीं थी, बाकी भी कहीं थे, पता नहीं। फिर 8 अगस्त 2020 को, कि कितना तारीख से, फिर से बता। 8 अगस्त 2020 को, मतलब अभी, लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है मुंबई के क्या कहीं पर। एक्सीडेंट होने के बाद फिर लड़की को संदेह होता है, फिर उनको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई हमको पीछा कर रहा है, बाकी कोई फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने 8 दिसंबर 2020 को बंदरा पुलिस स्टेशन में एक अर्जी लगाया है, जो हमें जानकारी मिली है कि इस केस को फिर जांच करा। राज्य के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, और यहाँ भी जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार चल रही थी, मतलब सरकार में कांग्रेस भी थे। तो डरी सहमी फिर 21 अक्टूबर 2013 को वो लड़की ने बंद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ उन्होंने अर्जी दाखिल की, और धारा 376, 366, 365, 354, 323, 506, 120B, 34 IPC के तहत उन्होंने वहाँ पर शिकायत दर्ज किया गया, और उसमें दो लोगों को अभियुक्त बनाया गया, एक हेमंत सोरेन और दूसरा सुरेश नागरिक। अब सुरेश नागरिक कौन है ये तो पता नहीं, कि आप सब लोग तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि। 8 अगस्त 2020 को, मतलब अभी, लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है मुंबई के क्या कहीं पर। एक्सीडेंट होने के बाद फिर लड़की को संदेह होता है, फिर उनको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई हमको पीछा कर रहा है, बाकी कोई फॉलो कर रहा है।
तो उन्होंने 8 दिसंबर 2020 को बंदरा पुलिस स्टेशन में एक अर्जी लगाया है, जो हमें जानकारी मिली है कि इस केस को फिर जांच कराया जाए। अब क्या हो रहा है मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं है आगे उसके बारे में। अब नीति का एक तकाजा है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री है। नीति का तकाजा है अगर इनके ऊपर एक संगीन अपराध लगे, आरोप लगे, तो हम चाहेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देनी चाहिए और खुद से सीबीआई या किसी भी कोई एजेंसी से, सीबीआई ही जो कि इंटर स्टेट मामला है, सीएम यहां पर है, घटना मुंबई की है, और पूरी मामला को इनको जांच करानी चाहिए। और जब तक दोष मुक्त नहीं हो तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं रहे। सीएम की कुर्सी पर रहेंगे तो जैसे जांच प्रभावित हो सकता है, जो प्रभावशाली लोग जो लोग करते हैं। मेरी जानकारी में जो चला है कि 8 दिसंबर के बाद मुंबई हाईकोर्ट में लड़की ने केस भी फाइल की है और उसमें से सीबीआई जांच की उन्होंने मांग भी की है और प्रोटेक्शन की भी खुद मांग की है।